अवैध माइनिंग से भरे डंफर ने तावड़ू डीएसपी सुरेंद्र कुमार को कुचला, मौके पर मौत। बता दें कि नुहू जिले के तावड़ू क्षेत्र में तैनात डीएसपी सुरेंद्र कुमार की माइनिंग कार्यों में चल रहे डंपर ने कुचल दिया। उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। यह हादसा पचगांव के पास हुआ है। गनमैन और ड्राइवर सुरक्षित बताए जा रहे हैं। घटना की सूचना सुनकर एसपी वरुण सिंगला दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे, जहां हालात का जायजा लिया। सबको कब्जे में लेकर सीएससी नुहू पहुँचाया जा रहा है। बता दें कि पुलिस के मुताबिक डीएसपी तावड़ू डीएसपी सुरेंद्र सिंह तावड़ू सूचना के आधार पर गांव पचगांव के पहाड़ी में अवैध माइनिंग की रेड करने गए थे। खनन माफियाओं ने रेड के दौरान डीएसपी के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, जिसकी वजह से उनकी मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सबको अपने कब्जे में ले लिया है। नुहू सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पोस्टमार्टम कराने के लिए ले जाया जा रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। आपको बता दें कि आज 19 जुलाई को समय करीब 12:10 पर सुरेंद्र सिंह उप पुलिस अधीक्षक डीएसपी तावड़ू गुप्त सूचना के आधार पर गांव पचगांव थाना सदर तावड़ू की पहाड़ी में अवैध माइनिंग की सूचना पर गए थे, जो उप यानी डीएसपी तावड़ू मौके पर पहुंचे और एक अवैध खनन के डंपर को अपनी गाड़ी के आगे लगाकर रोक दिया और उप पुलिस अधीक्षक यानी डीएसपी तावड़ू अपने गाड़ी से नीचे उतर गए। इतना ही देर में डंफर चालक ने उप पुलिस अधीक्षक तावड़ू पर सीधी डंफर चढ़ा दिया, जिससे उनकी दर्दनाक मौत हो गई। सुरेंद्र सिंह उप पुलिस अधीक्षक यानी डीएसपी तावड़ू गांव सारंगपुर थाना आदमपुर जिला हिसार के रहने वाले थे, जो दिनांक 12/4/1994 को हरियाणा पुलिस में एएसआई के पद पर भर्ती हुए थे। वहीं आपको बता दें कि 31/10/2022 को पुलिस महकमे से सेवानिवृत्त होने वाले थे। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, मैं लियाकत अली, आप देख रहे हैं मेवा सिटी न्यूज। रोजाना खबर देखने के लिए हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम दिखाते हैं सच का आईना। रोजाना देखें मेवात, पलवल, रेवाड़ी, भरतपुर, अलवर, गुरुग्राम सहित तमाम जिलों की ताजा खबरें रोजाना देखना ना भूलें, सिर्फ मेवात सिटी न्यूज पर। लूट, हत्या, किडनैपिंग, बलात्कार, भ्रष्टाचार, सामाजिक मुद्दों से जुड़ी खबरों के अलावा जिला प्रशासन, नेताओं से जुड़ी तमाम खबरें रोजाना जरूर देखिएगा।